दो महीने से लगातार सरकार से अपनी मांगे मान रही लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान सरकार हमारी एक भी मांग पूरी नहीं कर रही है। 1,00,000 बच्चों की शिक्षा जो हम देते हैं वो वंचित है। आज वो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। राजस्थान सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। आज तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। 2 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जो हमारे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कैडर बनाकर हमारी मांगों को पूरी करे, यही निवेदन करता हूँ। हमारी जो मांगे है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग केडी डिपार्टमेंट के अंदर कैडर निर्धारित कर मावाड़ी और डेकेर योजना में कार्य शिक्षा सहयोगी जो है उनको कैडर में शामिल किया जाए और संविदा रूस 2022 जो है सरकार उसमें शामिल करे। हम हमारी इन मांगों को लेकर पिछले 27 जुलाई से आज तक लगातार संघर्षरत हैं, फिर भी सरकार द्वारा जो हमारी मांगों को अनसुना किया गया है। इसलिए आज प्रदेश के समस्त जिलों के शिक्षा सहयोगी ने मिलकर आज यहाँ शहीद स्मारक पार्क पर धरने का जो प्रावधान किया गया। कैडर नहीं बनने से साहब ये जो इन महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी का जो चयन जो हुआ है वो चयन अभी संचालन तो ग्राम विकास समिति द्वारा हो रहा है और सरकार द्वारा जो ठेका प्रथा और प्लेसमेंट एजेंसी को हटा करके गवर्नमेंट जो संविदा उसमें शामिल कर जो दूसरे डिपार्टमेंट के कार्मिक उनको जो शामिल कर रहे हैं उसमें हमारे सबके भी यही मांग है कि हमें भी उस पर्चे पर हमें उस कैडर में और संविदा 2022 में शामिल किया जाए। हमारे सरकार के जो हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय हैं और हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे कम से कम 3 से 4 बार वार्तालाप हुई है। उन्होंने यही कि सरकार जो वित्त विभाग में फाइल पड़ी है, कभी किसी विभाग में फाइल पड़ी है, लेकिन हमें हमेशा उत्कारा गया है। ना ही सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय हमारे गवर्नमेंट नहीं लिया गया।